मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश, जिसे दीव की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैलीज, वाटरफॉल, ब्यूटीफुल माउंटेन्स और यहाँ की जो खूबसूरती है वो देखने के लिए मिलती है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में पॉपुलर डेस्टिनेशन आता है मनाली, शिमला, लेकिन ये एक छोटा सा जगह है जो कि लोकेटेड है तीर्थन वैली में, जिसका नाम है जीभी। यहाँ के जो यहाँ पे जो हाउसेस होंगे ऑलमोस्ट 300-400 होंगे, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे ट्री हाउसेस, ग्लास हाउसेस, ग्लम्पिंग क्लब और वुडन हाउसेस देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, मनाली, शिमला, लेकिन इन सब सारी जगहों से अगर आप बोर हो गए हैं और आपको पीसफुल स्टेकेशन चाहिए तो आप जीभी आइए। इसलिए इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ब्यूटीफुल स्टेकेशन इन जीभी। आपको जो यहाँ का व्यू मिलेगा वो हर जगह से आपको 360 व्यू देखने के लिए मिलता है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी ब्यूटीफुल स्टेकेशन, साथ ही साथ ब्यूटीफुल कैफे, फूड। मैं जहाँ स्टे करने वाली हूँ वो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इन जीभी। जीभी में है ये तांडेल, वहाँ पे है वो प्रॉपर्टी। और मैं सारी डिटेल, जो भी इंफॉर्मेशन मैं लूँगी इस ब्लॉग में, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लिंक जाके चेक कर सकते हैं। गाइस अभी हम तांडी हिल पे आए हैं और यहाँ पे हम एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं और जो हमारा स्टे है वो थोड़ा नीचे है, तो पहले अंदर चलते हैं। कॉटेज जाने से पहले मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। ये कैफ़े काफ़ी फेमस है तांडी में, तो मैंने सोचा यहाँ पे आकर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँ और इसके बाद आप लोगों को लेकर चलूँ अपने स्टेकेशन में। हमने ऑर्डर किया है ऑमलेट, मैगी, आलू का पराठा, चाय एंड कॉफ़ी। तांडी में इतने ऊपर भी आके आपको इतना अच्छा कैफ़े मिल रहा है, यहाँ पर इनका स्टे भी है, कॉटेजेस भी हैं, तो तांडी में आपको मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे स्टे करने के लिए। लोगों को देने वाली हूँ मेरे इस स्टेकेशन का रूम टूर। वैसे तो इस प्रॉपर्टी का लोकेशन ऑसम है और यहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना, आप लोग खुद वीडियो के आगे में देखेंगे और बोलेंगे वाओ, ट्रस्ट मी, इतना अमेजिंग लोकेशन पे हूँ मैं भी। और इनकी जो एंट्री है यहाँ से होती है, सारे फ्लावर्स 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 नीचे आए और ये है कॉटेज, पूरा पीछे आप देख सकते हैं संग्रीला रानो। और बाहर पर इन्होंने थोड़ा सा सिटिंग एरिया बनाया है जहाँ पे नाइट कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है और ये है नाम। तो चलते हैं यहाँ से अंदर। OMG वाओ, द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेकेशन इन जीभी। सच में बता रही हूँ इतना ब्यूटीफुल है, मैंने तो सिर्फ अभी घुसा है अंदर, बाकी का देखा नहीं है, बट यहीं से जो मुझे वाइब मिल रहा है, जो मैं काफ़ी लंबे वक्त से देख रही थी कि मुझे ऐसा स्टेकेशन आप लोगों को दिखाना है जो इंडिया में काफ़ी रेयर है, तो ये उनमें से एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही रेयर है, हिल पे है, माउंटेन पे है, और यहाँ से जो व्यू देखने के लिए मिलेगा ना आपको, वो कहीं और से नहीं मिल सकता, इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस कैबिन में हमको मिला है लग्जरी आइटम्स, क्योंकि ये जो कैबिन है ये काफ़ी लग्जरी है, काफ़ी एस्थेटिक है और बहुत अच्छा वाइब देती है। तो इन्होंने जो भी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा ना, चाहे वो काउच हो, बेड हो, या कुछ भी इंटीरियर का देखने के लिए आप आइटम, वो सब सारे आपको ऐसा लग्जरी फील कराएंगे। जैसे कि जब मैं एंट्री करी तो ये जो पूरा वॉल है ये स्टोन का है, यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो फ्रेम्स लगाए हैं और ये ग्रीन कलर का काउच जो इस वॉल के साथ बहुत ही परफेक्ट जा रहा है, नो डाउट जिसने भी इस होटल को डिज़ाइन किया है ना भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही ऑसम डिज़ाइन किया है आपने।
ये है इनका कंफर्टेबल लग्जरी बेड, जो एंट्री करते साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे है बेड, काफ़ी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। दो ब्लैंकेट दिया है इन्होंने, ऑब्वियसली आप हिल स्टेशन में हैं, आप हिमाचल में हैं तो ठंड तो रहेगी ही रहेगी। दो ब्लैंकेट दिया है। यहाँ पे साइड टेबल है, वहाँ पे भी साइड टेबल है। वॉल पे फोटोज, लैम्प, मतलब रूम का हर एक कॉर्नर लाजवाब। तो ये है काउच जो कि इस रूम के साथ ही इन्होंने दिया है। बेड है वहाँ पे, सामने में काउच है। लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद मैं जो सामने देख रही हूँ ना, वो मैं बता नहीं सकती कि मुझे इस व्यू के लिए, मतलब मैं कितना कितना दिन वेट कर रही थी कि मुझे तब जाके ये प्रॉपर्टी और ये स्टेकेशन मिला था। क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रही थी बुक करने के लिए, मिल नहीं रहा था, और जब मुझे फाइनली मिला तब मैं बहुत खुश हूँ। और अभी यहाँ पर बैठी हूँ तब मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये इतना फुल क्यों था। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो गाइस, गेट रेडी टू सी द व्यू। ओके, ये देखिए, ये जो व्यू है ना, आपको मैं बता नहीं सकती, ये हिमाचल में आपको जीभी में ही ये व्यू देखने के लिए मिलेगा और कहीं नहीं। सो गाइस, इस व्यू के लिए ये जगह वर्थ है, और यहाँ तक आना भी वर्थ है। भले आने में आपको वॉक करके, हाइक करके यहाँ पे पहुँचना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रोड है और जस्ट आप पहुँच गए, नहीं, आपको यहाँ तक आने के लिए, आप जब जीभी आते हैं, जीभी से तांडी है 5 किलोमीटर, तो आप आपकी कैब या टैक्सी करके आ सकते हैं। लेकिन ये जो होटल का स्टेकेशन है, जहाँ से आपको बाहर उतारेंगे, जहाँ से इसका एंट्री है, वहाँ से आपको एटलीस्ट 100 मीटर का हाइक है जो आपको करके आना पड़ता है, बट वर्थ है। वैसे यहाँ पे हर स्टेकेशन में, यहाँ कहीं पे भी रुकेंगे तो थोड़ा हाइक ट्रैक आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये व्यू चाहिए तो उतना तो बनता ही है यार। मतलब इस व्यू के लिए मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ यहाँ पास आके। तो ये हॉल है, आप लोग पीछे देख रहे होंगे, ऊपर के लिए स्टेयरकेस दिया है, ऊपर भी जाके दिखाऊंगी। लेकिन ये हॉल के साथ में क्या क्या चीज़ें मिली मैंने आपको बता दिया। बेड है, काउच है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं काउच से और बेड से। मेरे पीछे बैक साइड में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली किचन की भी फैसिलिटी दी थी, क्योंकि एयरबीएनबी में मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं उसके साथ किचन अटैच होता है। तो किचन अटैच है, लेकिन ये अभी वर्किंग नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो गेस्ट होते हैं ना, बहुत मिसयूज़ करते थे पहले, इन्होंने बताया, इसलिए इसे बंद करके रखा है। तो एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आके आपका लगेज रख सकते हैं, आप लंच ऑर्डर किए, डिनर ऑर्डर किए तो यहाँ पे सिंक है, आप हाथ धो सकते हैं, बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं है। यार यहाँ पे इन लोगों ने ना क्या लैविश किचन दिया है यार, अपन कुछ पका के भी खा सकते हैं। देखना जरा, इतना अच्छा किचन तो मुंबई के 1 BHK में भी नहीं मिलता, इन्होंने तो पहाड़ों में बना दिया यार इतना अच्छा किचन। देखना, चिमनी भी लगा है यार यहाँ पे, तो सारे यूटेंसिल्स के लिए इन्होंने ये ड्रॉअर भी बनवा के रखे हैं, पर ना सब खाली है, मतलब सिर्फ तू इस किचन में आके ना देख सकता है, बैठ सकता है, लेकिन तू पका नहीं सकता। सो गाइस, ड्यूप्लेक्स जो ये कैबिन है, इसमें 2 फायदे मिलेंगे आपको, एक तो नीचे मिलेगा बेड और एक मिलेगा ऊपर। तो मैं जा रही हूँ अभी ऊपर वाले बेड में, और जहां से व्यू भी है और बालकनी भी है, और इतने सारे सिटिंग्स ऑप्शन है ना, यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे है, ऊपर में भी है, और उसके साथ बालकनी में भी है। तो चलो आपको लेके चलती हूँ कैबिन का सेकंड बेडरूम दिखाने। फॉर अ कपल या आप 4 लोग भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है दूसरा बेडिंग। बेड से भी व्यू देखने के लिए मिलेगा यहाँ से आपको, और ये व्यू यहीं पर एंडिंग होता है। कंटिन्यू करती हूँ मैं, ये देखिए, वाओ। सो गाइस, ये है बालकनी, और यहाँ से आपको पूरा बैक साइड में आप देख रहे हैं पूरा व्यू मिल रहा है। जो मोस्ट अमेजिंग व्यू मिलता है वो यहाँ पे ही आकर मिलेगा, और ये अब तक की सबसे बेस्ट स्टेकेशन है हिमाचल की, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो डिसअपॉइंट होकर नहीं जाएंगे, बहुत ही खुश होकर जाएंगे। और इस होटल के लिए, इस ब्लॉग के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, और मुझे कमेंट में बताना कि ये स्टेकेशन सच में वर्थ है कि नहीं है। और ऐसा है कुछ व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे भी बैठने के लिए इन्होंने दिया है। ये मनाली बहुत ज़्यादा कमर्शियल है टूरिस्ट के लिए, और ये जी भी थोड़ा आउटकट्स है, थोड़ा बहुत ज़्यादा एम्प्टी प्लेस है, घर बहुत कम है यहाँ पे, होटल्स बहुत कम है। तो ये जो यहाँ की जो ये मेन खास बात है, इसलिए ही क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है, लोग कम है, इतने ज़्यादा होटल्स ओपन नहीं हुए, इतना ज़्यादा ये कमर्शलाइज नहीं है। फ्यूचर में अगर 5 साल के तक में अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आ जाता है ना, तब इस जगह का जो चार्म है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, क्योंकि जो माउंटेन्स में जो कट्स हैं वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि होटल्स बन जाएंगे तो वो व्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी जो है ये अगर ऐसा ही रहे तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए हर एक
मतलब हर एक इंसान को ये सोच कर आना है यहाँ पे कि सीजन के हिसाब से आए। सीजन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, रोड में बहुत ज्यादा, यहाँ के रोड्स बहुत नैरो हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के चांसेस है, इसलिए सारी चीजों को देखकर आप यहाँ पे आइए। टू डेज के लिए बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे आइटनरी कवर करने के लिए मिलेगा, ट्रैक करने के लिए मिलेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेकेशन मिलेगा। अभी चलते हैं हम लोग वॉशरूम में, क्योंकि इस कैबिन का हर एक चीज काफी अच्छा है, काफी लग्जरी है, काफी यूनिक है, काफी ब्यूटीफुल है। तो बेडरूम, फिर ड्यूप्लेक्स बेडरूम देखा, बालकनी देखा, अभी चलते हैं वॉशरूम में। आइए, दिस इज आवर हैप्पी प्लेस। यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा बाथटब दिया है, व्यू के साथ आप ये बाथटब एंजॉय कर सकते हैं, जो कि पूरा का पूरा यार पैसा वसूल है। ऐसे व्यू के साथ तो बाथटब कहीं नहीं देखा होगा आप लोगों ने, तो इतना लग्जरी, मतलब लग्जरी का हर एक चीज इन्होंने पूरा किया है। हिमाचल में एसी रूम मिल गया, दो बेडरूम मिल गया, ड्यूप्लेक्स कैबिन मिल गया, बाथटब मिल गया, और बाथरूम के अंदर की एमिनिटीज भी मैं दिखा देती हूँ। इन्होंने शैम्पू, बॉडी वॉश, कंडीशनर सारी चीज़ें दी हैं, बाथरूम भी दिया है, टॉवल भी दिया है, और काफ़ी ह्यूज वॉशरूम है यहाँ पे। कम्बोर्ड है, वॉश बेसिन है, मिरर भी दिया है इन्होंने यहाँ पे। ये लाइट नहीं जल रहा है, बट मिरर भी है। कैबिन तैयार किया जा रहा है, ऐसे कैबिन को बनने में 3 से 4 महीने लगते हैं, जहाँ पे कहीं पे भी सीमेंट का वॉल नहीं है। मतलब सीमेंट का सिर्फ जो नींव होता है, जो बेस होता है, वो सीमेंट का है, बाकी पूरा लकड़ी का है और स्टोन का है ना। बहुत सही है। और ऊपर बैठ के भैया मज़े से चाय पी रहे हैं, अभी ब्रेक टाइम है भैया का। करने वाली हूँ लंच यहाँ पे इस स्टोन के टेबल में, इस व्यू में, और इस ब्यूटीफुल स्टे का ये पार्ट है। लंच हमारा मिक्स वेज है, जिसमें इन्होंने पनीर डाला है, दाल है, जीरा राइस है, लॉट्स ऑफ अनियन एंड सैलड एंड चपाती गर्मा गर्म। तो ऐसा है कुछ खाना, कुछ भी कहिए, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेकेशन है, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत इजी है बुक करना। मैं आपको लिंक, जो भी डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ का लोकेशन, सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये जहाँ पास मैं अभी खड़ी हूँ, ये एक्चुअली यहाँ का बाहर का एरिया, और ये बाहर से कॉटेज कुछ ऐसा दिखता है, संग्रीला रहना। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है, ये जो इनका टेबल है ये पूरा स्टोन का है, बहुत कूल लग रहा है ये देखिए। और यहाँ पे है कैंप फायर, जो कि हम रात में करने वाले हैं, और बहुत अच्छे से यार बनाया, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। और आप वहाँ पे दो और देख रहे हैं, वो दूसरी प्रॉपर्टी है, और एक यहाँ पे बन रही है। तो जैसे मैंने बोला, आप स्टेकेशन देख रहे हैं, सो ये बेस्ट जगह है। What's your name? Sangrila. Hi, my name is Sangrila. Tokyo Sea. Who's here? So guys, evening का 6:30 और यहाँ पे bonfire लग चुका है। मस्त ठंडी है, बैठेंगे सुकून से, मजा लेंगे, भुट्टे भी भूंजेंगे। ये देखिए देसी भुट्टे रखेंगे, इसे भूनेंगे, खाएंगे। सो गाइस, देखिए यहाँ पे इवनिंग के वक्त में मैं एंजॉय कर रही हूँ बोन फायर, और ये जो बोन फायर है, यहाँ के जो होस्ट हैं उन्होंने ही पूरा लगा कर दिया। हम उनके साथ काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करे, लाइफ शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया, भुट्टे खाए, चाय पिए। तो ऐसे ही होता है, जब आप ट्रैवल करते हैं तब आपके नए नए फ्रेंड बनते हैं, और ट्रैवलिंग में जो फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड कंपेनियंस जो बनते हैं, मैटर नहीं करता वो किस एज ग्रुप के हैं, क्या हैं, कैसे हैं, बस आपका और उनका जो ट्रैवल को लेके थॉट प्रोसेस है वो मैच करना चाहिए। सो ऐसी मेरी कुछ बातें हुई यहाँ के होस्ट से, बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, और उनका ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा इस कैबिन को लेके। एंड बस, तो अभी मैं ये एंजॉय कर रही हूँ, उसके बाद डिनर करूँगी, और बस यही रहेगा इस लग्जरी कैबिन का स्टे का जो ओवरऑल आप देख रहे हैं, मैं आपको जो वीडियो में दिखा रही हूँ, या आप भी आएंगे तो आपको सेम और यही रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको लेकर जाने वाली हूँ राघोपुर फोर्ट, और अभी मैं रास्ते में रुकी हूँ। यहाँ से पूरा आपको जीभी नज़र आएगा, और जीभी में राघोपुर फोर्ट है ना, ये मेन अट्रैक्शन है। मतलब अगर आपको सुकून चाहिए ना,
अगर आपको पार्टी करना है तो आप कसौल जाओ, लेकिन आपको सुकून चाहिए ना, तब आप जीबी आओ। और जीबी इसीलिए है, सुकून के लिए। तो मैं आपको आज राघोपुर फोर्ट लेके जाने वाली हूँ, जिसमें मैं करने वाली हूँ ट्रैक, जिसमें मैं करने वाली हूँ ट्रैक। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको रास्ते का एक व्यू दूँ। ये पीछे देख रहे हो आप, पूरा यहाँ से 360 व्यू मिल रहा है मुझे वैली का। राघोपुर फोर्ट कैसे आ सकते हैं आप? जीबी से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आपने टैक्सी लिया है, या आपके पास बाइक है, या आपके पास आपका खुद का व्हीकल है, तो जो जलोरी पास का जो रास्ता जाता है, बस वहीं पे आपको रुकना है। और टर्निंग में ही यहाँ से एंट्री है राघोपुर फोर्ट के लिए। ये जीबी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। और ये जो ट्रैक है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आके आप नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं, जो कि लोग यहाँ पे करते हैं। कैंपिंग के लिए आप किसी भी लोकल जो भी है वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कैंपिंग के साथ साथ में खाना भी मिलता है, या आपको सेल्फ कैंपिंग करना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैंपिंग के लिए कुछ कुछ नोट वगैरह दिया गया है जो आपको फॉलो करना है रूल्स, बाकी बहुत ही ईजी है यहाँ पे कैंपिंग करना। तो ये मेरा हिमाचल में सेकेंड ट्रैक होगा जो मैं करने जा रही हूँ। जो पूरा ट्रैक है ऑलमोस्ट है 2.5 किलोमीटर अप, 2.5 किलोमीटर डाउन। मतलब जाने में मुझे 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा, और आने में तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। तो देखती हूँ वो मैं कितने घंटे में कवर करती हूँ। और ऊपर से मुझे मिलेगा 360 व्यू, तो आप लोगों को वहाँ तो आप लोगों को वो व्यू भी दिखाती हूँ मैं। और आज मेरे इस ट्रैकिंग में जो मेरा पार्टनर है आयान, वो है साथ में। हेलो। हेलो। इसे देख के नहीं लग रहा है कि ये ट्रैक करने जा रहा है, इसे देख के लग रहा है कि ये एयरपोर्ट जा रहा है। जिस तरीके से इसने एयरपोर्ट लुक कैरी किया है आज का। तो मिडवे में आपको यहाँ पे चाय के कैफे भी मिलेंगे, स्टॉल भी मिलेंगे विद दिस अमेजिंग व्यू। और यहाँ पे वुडन के टेबल लगे हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के चाय पी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न में चाय पीऊंगी, अभी नहीं। वो है 360 व्यू पॉइंट। वहां से भी एक व्यू मिलता है, वहां से भी लेक है। और एक जो मैं अभी चल के जा रही हूँ राघव पूरा फोर्ट, ये भी एक व्यू पॉइंट है। मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक साथ में दो ट्रैक तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। सो गाइस, ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुकी हूँ। और वो जो ऊपर आप स्विंग देख रहे हैं ना, अभी बस वहाँ तक जाना बाकी है, तो वो भी कंप्लीट कर लूँगी सिर्फ 2 मिनट में। सो गाइस, चलिए देती हूँ मैं आप लोगों को इस जगह के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। राघोपुर ट्रैक, यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट सीज़न होता है कि आप आ जाइए अक्टूबर में, क्योंकि आप दिसंबर जनवरी में आएंगे तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल रहेगा। और आप अक्टूबर में आने के बाद यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ट्रैक करके ऊपर आइए और यहाँ पे कीजिए नाइट कैंपिंग। बेस्ट जगह है ये नाइट कैंपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। खाने पीने का टेंशन नहीं है, आपको इजीली मिल जाएगा, पका कर देंगे वो लोग खाना, और कैंपिंग कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ से आपको 360 का व्यू मिलेगा। ये देखो, मेरे पीछे देख रहे हो ना, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। बेसिक खाना तो यहाँ मिल जाएगा, मैगी, मोमोज, चाय, नींबू पानी। लोगों की अच्छी खासी नींद भी पूरी हो जाती है यहाँ पे थक के आने के बाद। वाह, क्या सुकून वाला हवा चल रहा है, एक रत्ती पसीना नहीं निकला होगा मेरा। जैसे मेकअप करके आई थी मैं, वैसे टकाटक सेट है अभी भी, देख सकते हो। स्टारबक्स का नींबू पानी पिला रही है।
एक्चुअली पहला स्टॉप वो है, लेकिन आपने अगर थोड़ा दूर और चल लिया तो आगे भी आपको एक स्टॉप मिलेगा। और हर जगह पे ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ दिल चाहे वहाँ बैठ जाओ आप। और वो जो दूर पे आप देख रहे हैं ना, वो वाला, वो है राघोगढ़ फोर्ट, वो है फोर्ट। कोशिश है मेरी वहाँ तक जाने की, होप सो मैं वहाँ तक चले जाऊँगी, क्योंकि मैं इतना दूर आ गई हूँ तो गिव अप तो नहीं करूँगी। और यहाँ से पूरा आपको हाईवे नज़र आ रहा है। बहुत लोग यहाँ पे पोनी राइड करके भी आते हैं, बट वो आके कोई मतलब नहीं है आपका, जब तक आप ट्रैक करके ऊपर तक नहीं आएंगे ना, कोई वर्थ नहीं आना। तो चलो अभी मेन पार्ट दिखाना बाकी है दोस्तों। लुक एट दिस व्यू, ये है छोटा सा पॉन्ड और वहाँ पे है घोड़े घास चर रहे हैं, सो ब्यूटीफुल। सो ऑलमोस्ट हम राघोगढ़ फोर्ट पहुँच गए, 3 किलोमीटर का ट्रैक करके। फाइनली हम आ गए हैं राघोगढ़ फोर्ट। यार यहाँ पे आने में ना बहुत मज़ा भी आया ना, रास्ता भूल गए, उतार चढ़ान, पता नहीं क्या क्या क्रॉस कर कर आए, एंड फाइनली हियर वी आर। ये देखो गुड बॉय, आओ। मतलब यहाँ पे आने के वजह से हर हर एक कोने से 360 व्यू देखने के लिए मिल रहा है, व्हाट अ अमेजिंग प्लेस। दूर चलकर आए, ट्रैक करके, हाइक करके, गाय ने हमें दौड़ाया मारने के लिए, और फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे। अपना जो पॉइंट था 0 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ से, रघुपुर फोर्ट। आप यहीं रहते हैं? अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं? बैठो आराम करो थोड़ी देर। हाँ गाइस, राघोगढ़ फोर्ट का जो मेरा ट्रैक रहा, बहुत ही औसम, बहुत, मैं बता नहीं सकती कितना औसम निकला। और ये जो व्यू देख रहे हो ना 360 का, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पे आप जा सकते हैं। स्विंग पॉइंट्स है, फिर फोर्ट वाला है, और देन आप कहीं पे भी रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। एक छोटा सा लेक है, मतलब छोटा सा पॉन्ड है, लेक नहीं है, जहाँ पे एनिमल्स आके पानी पीते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो बहुत ही फोटोजेनिक और पिक्चरिस्टिक है। और बाय द वे ये जो पूरा टॉप है ना, ये है 12,000 फीट, मतलब मैं 12,000 फीट के ऊपर हूँ अभी। तो व्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अगर आपको ट्रैक करके आना है तो एक पूरा दिन निकालिए आप इसके लिए। आप मॉर्निंग में स्टार्ट करिए, यहाँ पे 4 से 5 घंटा तो बिताएगी ही बिताएगी आपका टाइम। लग्जरी स्टेकेशन के लिए मैं यहीं पे ये साइन आउट करती हूँ और आपसे मिलूंगी फिर से नया ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दैट्स इट, बाय बाय।